देखिए, इन लोगों को मिर्ची लगी है सिर्फ इस बात से कि वर्तमान में भारत को प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। अब इन लोगों का प्रेम इंडिया वाले अंग्रेजी नाम से है। हमारा नाम, हमारे देश का नाम भारत है, और आज से नहीं है, वो बहुत प्राचीन काल से, 10,000 साल का तो लिखित साक्ष्य है, पौराणिक साक्ष्य है, और जो एएसआई के द्वारा मिले साक्ष्य हैं, जहां हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारतवर्ष भरतखंडे भारतवर्षे। तो फिर भारत नाम से इनको चिढ़ क्यों हो रही है? हमारा देश का नाम भारत है, और इसको अंग्रेजों ने एक नाम अंग्रेजी में कह दिया, इसको इंडिया कहेंगे। अब सवाल उठता है, ठीक है, हमारा देश उदार है, उसने वो भी स्वीकार कर लिया, लेकिन गुलामी के खंड में थे हम लोग। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या किसी देश का भी अंग्रेजी नाम दूसरा होता है? आप चाइना का दूसरा नाम अंग्रेजी में बताइए, अमेरिका का अंग्रेजी नाम बताइए, आप दुनिया के और भी देश हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, इनका जरा अंग्रेजी नाम बताइए। भारत मूल नाम है, अंग्रेजी में इंडिया कहा गया, तो आपको इंडिया से ज्यादा प्रेम हो रहा है और भारत से नहीं? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, और ये तभी हो सकता है जब आपको भारत की संस्कृति से दुश्मनी हो, भारत के दर्शन से दुश्मनी हो, भारतीयता से दुश्मनी हो, तब आप भारत नाम से चिढ़ते हैं, और जो कांग्रेस के साथ हो रहा है। फिलहाल मैंने सुना है कि इंडिया का नाम बदल रहे हैं। भारत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम पहले ही कह चुके हैं। अंग्रेजी में हम इंडिया कहते हैं, हिंदी में हम भारत कहते हैं, दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती है। वो नाम बदल देंगे, वो इतिहास बदल रहे हैं। मैंने कहा ना कि और किसी देश का नाम अंग्रेजी में दूसरा हो तो हमको बताइए। हमारा नाम भारत है, हमें हमारा भारत के प्रति गर्व भी है। इंडिया जिनको बोलना है बोलते रहे, कोई परेशानी, ऐसा थोड़ी है कि आप इंडिया बोलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगी। लेकिन हम तथ्य से, हर जगह से, संविधान से, हमारा वो भारत नाम है, और भारत का संविधान है, उसमें भारत प्रतिष्ठापित है। सर, राष्ट्र सम्मेलन के राष्ट्रीय बोर्ड का निमंत्रण जो आप की बार आया है, भारत के राष्ट्रपति के नाम लिखा हुआ है उसमें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के दावे पर कांग्रेस के ही सांसद प्रमोद तिवारी कहते हैं, पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया जैसे नाम दिए थे, स्किल इंडिया नाम दिया, खेलो इंडिया, फिर वे इंडिया सबसे डरते क्यों हैं? संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया भारत है, यह नाम कैसे हटाया जा सकता है? हाँ, तो हम विरोध कहाँ कर रहे हैं इंडिया का, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लेकिन देश का नाम तो भारत है, उससे आपको क्यों चिढ़ हो रही है? हमको तो इंडिया नाम से चिढ़ नहीं है, लेकिन हम देश का नाम भारत है और भारत ही लिखना चाहते हैं। किसी ने हमें गुलामी के खंड में अगर एक और अंग्रेजी, यानी कि भारत का अंग्रेजी इंडिया होता है, इस पे तो हमें डाउट है। सर, सिद्धरमैया का भी बयान आया, उन्होंने कहा भारत का संविधान इंडिया इसके लिए एक स्वीकृत शब्द है, देश को भारत बनाना मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है। वो तो चाहते ही नहीं कि भारत की संस्कृति पनपे, वो तो चाहते नहीं कि भारत का दर्शन दुनिया में स्वीकार हो, वो तो चाहते ही नहीं कि भारत का सनातन सर चढ़ के बोल रहा है दुनिया में, उनको अच्छा लगे, तो उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वो जाए कहीं भी इलाज कराए अपना। सर जी का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि जो इन्विटेशन कार्ड पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय भोज के कार्ड पर लिखा है भारत के राष्ट्रपति, ये भारतीय के लिए गर्व की बात है। रियली ये सब हम सभी के लिए गर्व का विषय है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत सुनकर के मन रोम रोम हर्षित हो चुका है। सर, मैं है कि विभिन्न कारणों से संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है, और मैं हाथ जोड़कर सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करती हूँ कि पार्टियों को उस मुद्दे को उठाना होगा और राजनीतिक पक्षपात से ऊपर उठना होगा।
इस मौजूदा सरकार के पास राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है, हालांकि राज्यसभा में ये पहले पारित हो चुका है। भाई संसद के विशेष सत्र में क्या क्या विषय आएंगे, किन परिस्थितियों में विशेष सत्र बुलाया गया है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो अटकलें लगाना हो लगाते रहे।